हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाले क्रिस्पी वड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें आधी ग्रेट की हुई अदरक डाल देंगे और दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हम एक मिनट के लिए थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी और एक चौथाई कटोरी पानी डाल देंगे। इसी कटोरी से हम सूजी भी मैयर करेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच ही काली मिर्च डाल देंगे। अब इसे हम बॉयल आने तक कुक कर लेंगे। पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने पानी को मैयर किया था उसी कटोरी से हम एक कटोरी इसमें सूजी डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए डो की फॉर्म में ले आएंगे। अब इसका डो बनकर रेडी है। इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें एक उबला हुआ आलू डाल देंगे। इसमें हम आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़े से धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वड़े बनाने के लिए हमारा डो रेडी हो गया है। हाथ को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और इसका हम वड़ा रेडी करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। ये सारे वड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके वड़े डाल देंगे। ये वड़े हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी सूजी के वड़े बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।